हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सूरज झुंझुनवाला। कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया हो, अपने अपने घरों में रह रहे हो, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान दे रहे हो। और मैं भी बता दूँ, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। हम डिस्कस कर रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट, चैप्टर वन, इंट्रोडक्शन टू रिस्क। हमने पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट टू ऑफ पार्ट थ्री एंड पार्ट फोर ऑफ वीडियो कम्प्लीट कर लिया, और हमने सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ चैप्टर वन कम्प्लीट कर लिया है। ओनली थिंग विच इज़ रिमेनिंग इज टाइप्स ऑफ रिस्क, और उसे आज के वीडियो में, आज के लेक्चर में डिस्कस करके कंक्लूड कर देंगे। ओके, चलो जी। सो टाइप्स ऑफ रिस्क, इसमें क्या है फ्रेंड्स? तो इसमें बोला गया है, यहाँ पे आप देखोगे साइड में मैंने लिखा है, इसको समराइज करने की कोशिश की है। टाइप्स ऑफ रिस्क में आपका दो टाइप का हो सकता है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव रिस्क हो सकता है। पॉजिटिव रिस्क क्या होता है? वो अपॉर्चुनिटीज़ लेके आता है, और उसका या तो अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएगा और आपका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स है, कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स है, उसको ऑफसेट कर सकता है। ओके, उसे हम पॉजिटिव रिस्क बोलेंगे। एंड देन आफ्टर नेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव जो आपके वैल्यू क्रिएशन को रोक सकता है, दूसरा आपका एग्जिस्टिंग वैल्यू को इरोड कर सकता है, उसे हम नेगेटिव रिस्क बोलेंगे। ओके, तो ये एक जनरल सा टर्म था जो हम स्टार्टिंग से समझते हुए आ रहे थे कि रिस्क दोनों क्या हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। देन आफ्टर देर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कैचिंग द बॉल फेनोमेनन और आइडिया फ्यूनल। इसमें क्या होता है कि आपके पास एग्जिस्टिंग में नेगेटिव कुछ रिस्क है, ओके, कुछ नेगेटिव रिस्क है, उसमें आप क्या करते हो, अपने नॉलेज लगाते हो, अपने इंफॉर्मेशन लगाते हो, अपने एक्सपर्टीज लगाते हो, अपना कॉम्पिटेंस लगाते हो, तो ये सब चीज़ अप्लाई करते हो। ये सब चीज़ अप्लाई करने के बाद, इस पर अप्लाई करते हो, एंड देन अप्लाई करने के बाद नेगेटिव रिस्क गेट्स कन्वर्टेड इनटू अपॉर्चुनिटी और अ पॉजिटिव रिस्क। ठीक है, तो ये दिस इज़ द बेसिकली द क्रक्स ऑफ दिस पैराग्राफ। और ये आप प्लीज़ नोट डाउन कर लेना, अगर आपको साथ में टाइम ऑफकोर्स नहीं मिला होगा तो आप वीडियो को पॉज करके, चाहे आप किसका स्क्रीनशॉट ले लेना एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो, आई होप दिस इज़ फाइन, यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू वेवोपीडिया, द पार्ट रिस्क इज एज अ पार्ट ऑफ GRC, गवर्नमेंट रिस्क एंड कंप्लायंस मैनेजमेंट। GRC मैनेजमेंट इज द एबिलिटी टू इफेक्टिवली को एफिशिएंटली मिटिगेट द रिस्क दैट कैन हैंडल द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन और एबिलिटी टू रिमेन इन द कॉम्पिटेटिव मार्केट। बेसिकली GRC मैनेजमेंट मतलब रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ही यही होता है कि हम ऐसे रिस्क को मिटिगेट कर सकें जिसके जिससे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग रन में सस्टेन कर पाएँ, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग रन में ग्रो कर पाएँ। उसके बाद आता है बिजनेस फेस डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क एंड एक्सटेंट ऑफ रिस्क। फ्यू मे कॉज सीरियस लॉस ऑफ प्रॉफिट और इवन बैंकरप्सी। लार्ज कंपनी हैव एक्सटेंसिव रिस्क मैनेजमेंट एंड स्मॉलर कंपनी टेंड नॉट टू लुक इशू विद द सिस्टमैटिक वे बट हैव मोर हैंड्स ऑन द अप्रोच टू रिस्क मैनेजमेंट। बेसिकली ये बोलने का कोशिश ये कर रहा है कि नॉर्मली बिजनेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क एक्सपोज रहता है। अब लार्ज कंपनीज में क्या होता है, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ही होता है रिस्क मैनेजमेंट के लिए एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होता है जो पर्टिकुलरली एनालाइज करता है, आइडेंटिफाई करता है, असेस करता है, उसका लाइक इंस्पेक्ट करता है, एंड देन दे एक्चुअली फॉर्म अ पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी। बट ऐसा सिस्टमैटिक अप्रोच क्या होता है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं होता है। वहाँ पे बेसिकली व्हाट दे डू इज वो एक यू नो मोर ऑफ एक्सपीरियंस से, मोर ऑफ देयर कस्टम्स से चलते हैं रादर देन हैविंग अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट एंड एज अ रिस्क मैनेजमेंट। ओके, उसके बाद क्या बोल रहा है कि आपका बिजनेस जो होता है डायनेमिक होता है, जो कि थिंग्स हमेशा चेंज होते रहता है, कैन समटाइम्स सो आपने जो प्लान्स बनाए थे वो हमेशा क्या हो सकता है कि हमेशा प्रोन होता है, हमेशा एक चांसेस होता है कि वो फेल हो जाएगा। ओके, अब वो अगर फेल हुआ तो उससे जो रिस्क अराइज होता है उसे बोलते हैं स्ट्रैटेजी रिस्क और मॉडल रिस्क का। मतलब आपकी स्ट्रैटेजी फेल हो सकती है, आपके मॉडल्स आपने जो डेवलप करे थे फॉर रिस्क मैनेजमेंट वो फेल हो सकते हैं। और ये कैसे आ सकता है, ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, पावरफुल न्यू कंपिटिटर एंटरिंग इनटू मार्केट, शिफ्ट इन कस्टमर डिमांड, स्पाइक्स इन कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड एनी अदर लार्ज स्केल चेंज। सो कुछ भी ऐसा आया तो आपका जो आपने प्री प्लान अपने स्ट्रैटेजीज बनाए हुए थे, जो आपका चल रहा था नो सो उसमें क्या हो सकता है, उस वो फेल कर सकता है।
अब बिजनेस रिस्क हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, दो टाइप से हो सकते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ओके, अब इंटरनल फैक्टर्स का कुछ दिया हुआ एग्जांपल्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स का कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं यहाँ पे, जैसे स्टेबिलिटी ऑफ कंट्रोलेबल फैक्टर। अब इंटरनल को हमने क्या बोला था, इंटरनल यूजुअली कंट्रोलेबल होता है बट इंटरनल में भी कुछ अनकंट्रोलेबल हो सकता है। ओके, और एक्सटर्नल में भी कुछ कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल हो सकता है, बट इन एसेंस आप समझोगे इंटरनल वाला 90% चांसेस होता है वो कंट्रोलेबल होगा, और एक्सटर्नल वाला 90% चांसेस होता है कि वो कंट्रोलेबल नहीं होता है। बट हैविंग सेड दैट, ऐसा नहीं है कि आपका दैट इज़ फिक्स कि इंटरनल विल ऑलवेज बी कंट्रोलेबल एंड एक्सटर्नल विल ऑलवेज बी नॉट कंट्रोलेबल। जैसे कि कंट्रोलेबल में स्टेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द एंटिटी, लेबर स्ट्राइक्स, मशीनरी फेलियर, स्टाफ मोरेल। अब अनकंट्रोलेबल कैसे आ सकता है, एक्सीडेंट्स। अब एक्सीडेंट्स को आप कंट्रोल कर नहीं कर सकते, किसी भी तरीके से आपको एक्सीडेंट्स हो सकता है। एट्रिशन ऑफ पीपल, टेक्नोलॉजिकल चेंज, फ्रॉड्स, ये सब आप कंट्रोल नहीं कर सकते। बट हाउ एनी वेज, आप एक्सीडेंट्स वगैरह को भी कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हो। अब एक्सीडेंट्स में लेट से फायर लग जाता है, फायर के लिए आप फायर एक्सटिंग्यूशर लगा सकते हो, तो टू एक्सटेंट आपने कंट्रोल कर लिया। सो इट्स अ वेरी यू नो सब्जेक्टिव थिंग कि आप इसको कैसे कैटेगराइज करते हो। नाउ एक्सटर्नल फैक्टर में क्या होता है, कंप्लायंस विथ रेगुलेटरी चेंजेस, वो कंट्रोलेबल है आपका। जो भी रेगुलेटर्स के चेंजेस है, जो लॉ एंड रेगुलेशन है, उससे कंप्लाई करने के लिए आप वेरियस आप अपने अपना एक डिपार्टमेंट ही रख सकते हो, लीगल डिपार्टमेंट रख सकते हो, जो वो कंप्लायंसेस को मॉनिटर करेगा और उसे इंश्योर करेगा। ओके, देन आफ्टर आता है अनकंट्रोलेबल में इकोनॉमिक कंडीशंस, फ्लड्स, अर्थक्वेक, मार्केट एंड एनवायरमेंट, ऐसा कुछ हो सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ लिस्ट दिए हुए टाइप्स ऑफ रिस्क के, वो हम देख के इसे कंक्लूड करते हैं। इन एडिशन टू बिजनेस रिस्क, ऑर्गेनाइजेशन कैन हैव मेजर रिस्क इलस्ट्रेटिव विच विल बी एप्लीकेबल टू एनी ऑर्गेनाइजेशन। ये कुछ इलस्ट्रेटिव लिस्ट है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एप्लीकेबल होता है, बट ये लिस्ट आप ध्यान देना इलस्ट्रेटिव है, मतलब इसके बाहर का ऐसा कुछ रिस्क आया तो आप ये मत बोल देना कि ये रिस्क हो ही नहीं सकता, ये रिस्क हो ही नहीं सकता। सॉरी, ठीक है, इलस्ट्रेटिव है। नाउ पहला जो आ रहा है दैट इज़ फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क क्या हो सकता है, आपका फाइनेंशियल एसेट्स है, आपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं, आपके जो ट्रेड यू नो आपके जो लेट्स से प्लांट एंड मशीनरी है उसके वैल्यू में डिग्रेड हो सकते हैं, उसका वैल्यू डिग्रेड हो सकते हैं, उसका वैल्यू आप एक्चुअली रियलाइज ना कर पाओ। एसोसिएटेड विद द फाइनेंशियल एसेट्स, स्ट्रक्चर एंड ट्रांजेक्शन ऑफ द पर्टिकुलर इंडस्ट्री। उसके बाद आता है ट्रेड रिस्क। ट्रेड रिस्क बेसिकली होता है कि आप अपने अपने काउंटर पार्टी से अपने फंड्स रियलाइज ना कर पाओ। लेट्स से अपने कुछ कस्टमर्स को से पैसा आपने रिकवर करना है, कस्टमर से पैसा रिकवर करना, अब वो जो नॉन रियलाइजेशन का रिस्क होता है दैट इज़ बेसिकली क्रेडिट रिस्क। उसके बाद आता है लिक्विडिटी रिस्क। अब क्रेडिट रिस्क कैसे हुआ था, क्रेडिट रिस्क हुआ था काउंटर पार्टी का इनएबिलिटी से। काउंटर पार्टी का एक अगर इनएबिलिटी से होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम इनएबिलिटी ऑफ काउंटर पार्टी, दैट इज़ बेसिकली क्रेडिट रिस्क। नाउ अगर खुद का इनएबिलिटी से कोई रिस्क अराइज होता है दैट इज़ बेसिकली लिक्विडिटी रिस्क। जैसे कि आपने आपने कुछ लोन दिया हुआ है, अब वो लोन ना रीपे कर पाने का जो रिस्क है दैट इज़ बेसिकली लिक्विडिटी रिस्क। दिस इज़ द पोटेंशियल इनएबिलिटी टू मीट द कमिटमेंट्स। तो कमिटमेंट्स जो आपका था लोन या सप्लायर्स को पेमेंट करने का, दैट इज लिक्विडिटी रिस्क। इट अराइजेज व्हेन अ बैंक इज अनेबल टू जनरेट कैश टू मीट आउट इट्स लायबिलिटी पेमेंट ऑब्लिगेशंस और इंक्रीज इन एसेट्स और इट्स फेलियर टू मैनेज अनप्लान्ड डिक्रीजेस और चेंजेस इन द फंडिंग सोर्सेज। बेसिकली अगर बैंक भी बहुत सारे लोगों से पैसा इकट्ठा करता है, नाउ कल को जाके अगर वो बैंक इतने डिपॉजिट्स जो एक्सेप्ट करता है, हमें एक ट्रस्ट होता है कि जब भी हम जाएंगे, जब भी जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी हम जाएंगे हम वो पैसा को वापस ले सकते हैं एज पर आर नीड। नाउ कल को जाके अगर बैंक वो पैसा नहीं रिटर्न कर पाता दैट इज़ बेसिकली व्हाट इज़ लिक्विडिटी रिस्क। ये एक एग्जांपल हुआ बैंक का, बट इट इज़ इन जनरल एप्लीकेबल टू ऑल द बिजनेसेस। लिक्विडिटी रिस्क अराइज ऑन अकाउंट ऑफ फेलियर टू एड्रेस चेंजेस इन द मार्केट कंडीशन दैट अफेक्ट्स इट्स एबिलिटी टू लिक्विडेट द एसेट्स quickly and with minimal losses। और एक ऐसे भी आ सकता है जैसे लेट्स से आपका कुछ असेट्स है जिसको आप एक्चुअल वैल्यू पे रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हो। आपने अब लेट्स से आपने कोई बड़े सारे प्लांट लगाए हुए हैं, अब आपका ऐसा नौबत आ गया कि आपको वो प्लांट को जाके सेल आउट करना पड़ेगा,
अब उस सेल आउट करने पे 1 करोड़ का प्लांट का आप सिर्फ 10 लाख रुपए रियलाइज कर पा रहे हो, दैट इज व्हाट इज लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क में अराइज ड्यू टू चेंजेस और वेरिएशन इन द मार्केट कंडीशन सच एज वोलेटिलिटी इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेट, इन्वेस्टमेंट्स और पुअर इकोनॉमिक कंडीशंस, ये सारे तरीके से, ये सारे कारणों से आपका लिक्विडिटी रिस्क अराइज हो सकता है। ओके, देन आफ्टर आफ्टर आता है आपका मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क बेसिकली क्या होता है, एडवर्स चेंजेस इन मार्केट वेरिएबल्स। ओके, अब इसको ऐसे समझते हैं, मार्केट रिस्क को आप ये भी बोलते हो, मार्केट रिस्क इज सिस्टमैटिक। अगर आप SFM पढ़ के आए हो तो आपको ये टर्म से आप रूबरू हो गए, बट एनी वेज आपने जब मार्केट रिस्क को बोलेंगे ना तो ये सिस्टमेटिक रिस्क है। बट आप जैसे नॉर्मली हम रिस्क को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, टू टाइप्स, एक हो सकता है सिस्टमेटिक, दूसरा हो सकता है अनसिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक तो ये होता है कि वो प्रेजेंट है और वो प्रेजेंट इन जनरल फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स, वो मार्केट के चेंजेस के कारण होता है और वो इन जनरल इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द मार्केट पार्टिसिपेंट्स एंड दिस आर यूजुअली अनकंट्रोलेबल। ओके, ये होता है खुद के, दिस आर यूनिक टू योर सेल्फ। इसको एक इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि आपका आपका आपने एक मैथ्स का एग्ज़ाम दिया। ओके, अपन बचपन में जब मैथ्स का एग्ज़ाम देते थे यूजुअली वी ट्राई यूज टू ट्राई कि हम एक पर्टिकुलर, लेट्स से 100/100 आने का चांसेस नहीं होता था क्योंकि हमारे टीचर ही नहीं देते थे, वो कोई ना कहीं नंबर काट लेते थे और लेट्स से वो 90 तक ही मैक्सिमम वो रेस्ट्रिक्ट कर देते, किसी भी स्टूडेंट्स का 90 से ऊपर जाने ही नहीं देते थे। अब जब मैं, मेरे पास एक रिस्क क्या है कि हम, मेरा 100/100 नहीं आएगा। अब वो 100/100 नहीं आएगा, दैट इज़ नॉट ड्यू टू माई इनएबिलिटी। अब वो टीचर ही, टीचर ने एक्चुअली डिसाइड कर लिया कि मैं 90 से ऊपर जाने नहीं दूंगा। सो जो 10 मार्क्स का जो रिस्क है, दैट इज़ माई व्हाट, सिस्टमैटिक रिस्क। नो, अब मैं 90 से जितना भी बिलो है, 90 से जितना भी बिलो आने का चांसेस है, लेट्स से 30, 40, 60, 70, वो क्या हो सकता है, मेरे पढ़ाई पे डिपेंड करता है। ओके, तो वो ये, दैट रिस्क इज बेसिकली अनसिस्टमैटिक रिस्क, दैट डिपेंड्स अपॉन माई प्लान्स, माई स्ट्रैटेजीज। ओके, सो दैट इज अनसिस्टमैटिक रिस्क एंड दैट डिफर्स फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। तो यहीं पे, यहाँ पे यही बोला हुआ है, मार्केट रिस्क इज ऑल्सो सिस्टमैटिक रिस्क। ओके, उसके बाद कैन नॉट बी एलिमिनेटेड थ्रू डाइवर्सिफिकेशन दो इट कैन बी हेज्ड। ये आप डाइवर्सिफाई करके नहीं मिटिगेट कर सकते क्योंकि ये कॉमन है, ये इन जनरल एप्लीकेबल है, बट इसे आप हेजिंग तो कर सकते हो। लेट्स से सोर्सेज ऑफ मार्केट रिस्क आर रिसेशंस, पॉलिटिकल टर्मोइल एंड द चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट, नेचुरल डिजास्टर एंड टेररिस्ट अटैक्स। अब लेट्स से आप बाइक लेके निकलते हो, बाइक लेके निकलते हो, दो तरीके से आपका एक्सीडेंट हो सकता है। एक तो आप अपने गंदे तरीके से चला रहे हो और दूसरा क्या होता है, आप बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हो, कोई दूसरा बंदा आके आपका एक्सीडेंट कर दे। सो जो अपना इनएबिलिटी है जिसके कारण एक्सीडेंट हो सकता है, दैट इज़ अनसिस्टमैटिक, और कोई दूसरा आके आपको हिट कर दे, दैट इज़ सिस्टमैटिक रिस्क। अब आप क्या कर सकते हो, सिस्टमैटिक रिस्क को भी हेज कर सकते हो, आप हेलमेट वगैरह लगा लो, प्रॉपर सेफ्टी दो, सो दैट दैट कैन बी समहाउ हेज्ड। तो ये बोलने का कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। देन आफ्टर वी हैव ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है, आपके ऑपरेशन से अराइज होता है, इनपुट प्रोसेसेस वगैरह के कारण से अराइज होता है, आपका लेबर्स स्ट्राइक पे जा सकता है, ये सब के कारण से आपका यू नो ऑपरेशनल रिस्क अराइज होता है। लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम द फेलियर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन द ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल प्रोसेसेस, सिस्टम एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स एक्टिंग अपॉन इट टू द डेट्रीमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट इंक्लूड्स लीगल एंड एक्सक्लूड स्ट्रैटेजिक एंड रिप्यूटेशनल रिस्क एज दे आर नॉट क्वान्टिफाइबल। ये लीगल रिस्क को इंक्लूड करता है बट एक्सक्लूड करता है रिप्यूटेशनल एंड स्ट्रैटेजिक रिस्क को। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे आप हाईलाइट कर ही लेना, प्लीज़ 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 इसे हाईलाइट कर लेना।
ये आपको ऐसे पूछ देगा, तो आपको ये याद रहना चाहिए कि आपका लीगल रिस्क इज़ अ पार्ट ऑफ व्हाट, ऑपरेशनल रिस्क, बट स्ट्रैटेजिक रिस्क एंड रेपुटेशन रिस्क आर नॉट पार्ट बिकॉज दे आर नॉट क्वान्टिफाइएबल। चलो आगे बढ़ते हैं, ये क्या हो सकता है इंपॉर्टेंट फॉर MCQs, MCQ वहाँ से फॉर्म हो सकते हैं। देन आफ्टर स्ट्रैटेजी रिस्क इज द करेंट एंड प्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट ऑन अर्निंग्स करेंट कैपिटल रेप्यूटेशन और गुड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अराइजिंग फ्रॉम द पुअर और बिजनेस डिसीजंस, पुअर बिजनेस डिसीजंस, इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजंस और लैक ऑफ रिस्पॉन्स टू इंडस्ट्री इकॉनमी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। फेलियर ऑफ ए स्ट्रैटेजी विल एडवर्सली इम्पैक्ट द बिजनेस ऑब्जेक्टिव एंड अटेनमेंट ऑफ गोल्स। तो बेसिकली आपने जो स्ट्रैटेजी डेवलप किया वो फेल हो सकता है आपका। क्यों फेल हो सकता है? जो आपने अच्छे से मार्केट को एड्रेस नहीं किया, आपने कस्टमर प्रेफरेंसेस को अच्छे से एनालाइज नहीं किया, आपका कुछ टेक्नोलॉजीज में चेंजेस हो सकता है, आपने जो स्ट्रेटेजी बनाई जिस बेसिस पे उसके बाद आपका टेक्नोलॉजी चेंज हो गया। सो दैट इज़ ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी रिस्क। उसके बाद कंप्लायंस रिस्क कैसे आ सकता है? आप कोई लॉ एंड रेगुलेशन से कंप्लाई ना करोगे और इससे भी आपको ह्यूज पेनल्टीज वगैरह लग सकती है, ह्यूज आपके लाइसेंसेस वगैरह कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है, वो आप एक बार देख लेना। उसके बाद आता है रेगुलेटरी रिस्क। रेगुलेटरी रिस्क आप बहुत सारे रेगुलेटर्स, कोई कोई सेक्टर रेगुलेटर के थ्रू स्पेसिफिकली गवर्न होता है, जैसे बैंक्स आर गवर्न बाय RBI, देन आफ्टर इंश्योरेंस कंपनीज आर गवर्न बाय IRDA। तो ये सारे जो अब लिस्टेड कंपनी SEBI के द्वारा गवर्न होते, इनके कुछ नॉर्म्स होते, इनके कुछ पॉलिसीज होते, इनके कुछ रेगुलेशंस होते जिनसे हमें कंप्लाई करना पड़ता है। ओके, जैसे लाइक कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट, चेंजेस इन NPA नॉर्म्स, ये सारे अब इससे नॉन कंप्लायंस का जो रिस्क होता है दैट इज़ बेसिकली रेगुलेटरी रिस्क। उसके बाद आता है रेप्यूटेशन रिस्क, कि आपका इमेज जो है मार्केट में वो ख़राब हो सकता है। आपका कुछ एक लिस्ट से आप बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन हो और आपका कोई टॉप लेवल में एक डायरेक्टर था, वो किसी करप्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गया। वो करप्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने के कारण, सिर्फ उसका पर्सनल इंटरेस्ट के कारण पूरा ऑर्गेनाइजेशन का नाम खराब हो सकता है। ओके, लेट्स से कोई ऑडिट फॉर्म है, ऑडिट फॉर्म में क्या होता है कि लेट्स से 100 पार्टनर्स हैं, अब एक पार्टनर ने कुछ फ्रॉड किया, एक पार्टनर ने कुछ यू नो पर्सनल इंटरेस्ट के कारण कुछ ऑडिट रिपोर्ट गलत साइन कर दिया, नाउ फॉर दैट रीज़न क्या हो सकता है, वो पूरा ऑडिट फॉर्म में मे गेट बैंड। सो दैट इज़ बेसिकली रेप्यूटेशनल रिस्क। And then after we have legal risk. Legal risk again arises due to uncertainty due to legal action or uncertainty in the application or interpretation of contracts. आप basically contracts में enter करते हो, various types of contracts में आप enter करते हो, let's say आप rent agreements में enter करते हो, आप suppliers के साथ contract में enter करते हो, तो various types of contract में आप enter करते हो और उसमें हो सकता है कि कुछ ऐसा clause हो जो आपके against हो और आप उसे interpret ना कर पाओ और उस पर आपने sign कर दिया, तो देर विल ऑलवेज बी अ लीगल रिस्क। उसके बाद आता है इंटरेस्ट रेट रिस्क, आपका इंटरेस्ट रेट आपके अगेंस्ट में जाए, लेट्स से आपने कुछ बोरोइंग्स लिया हुआ है और बोरोइंग्स लिया हुआ है और उसका इंटरेस्ट रेट आपका मार्केट में बढ़े जा रहा है, आपको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, देन दिस गिव्स राइज टू इंटरेस्ट रेट रिस्क। बहुत ही सिंपल है। देन आफ्टर फॉरन एक्सचेंज रिस्क इज कि आपका फॉरन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन के कारण आ सकता है। मैनेजमेंट रिस्क इज नथिंग बट आपका लेट्स से टॉप मैनेजमेंट में कोई ऐसा बंदा है जिसको काम ही नहीं करने आता, तो ऊपर ही जो बेवकूफ बैठा हुआ है तो ऑफकोर्स नीचे का पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है वही खोखला हो जाएगा। सो रिस्क ऑफ मैनेजमेंट इंटरफेरेंस इन डे टू डे ऑपरेशन एंड पुटिंग अनड्यू डिमांड्स एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन स्टाफ, तो इससे यह यू नो मैनेजमेंट रिस्क अराइज होता है। क्वालिटी ऑफ सीनियर मैनेजमेंट अफेक्ट्स द डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रीब्यूट्स द मैनेजमेंट रिस्क, इट मीन्स द रिस्क एसोसिएटेड विद इनएफेक्टिव डिस्ट्रक्टिव एंड और अंडर परफॉर्मिंग मैनेजमेंट विच हर्ट्स स्टेक होल्डर्स एंड द कंपनी और द फंड बींग मैनेज। दिस टर्म रेफर्स टू रिस्क ऑफ सिचुएशन इन विच कंपनी एंड शेयर होल्डर्स वुड हैव बेटर ऑफ विदाउट द चॉइसिस मेड बाई द मैनेजमेंट। Just a second.
देन आफ्टर वी हैव स्टाफिंग रिस्क. Just excuse me for a second. वी हैव ए स्टाफिंग रिस्क, मतलब आपका आप सही तरीके के बंदे को एम्प्लॉय नहीं कर रहे हो. ऑलवेज देर विल बी अ स्टाफिंग रिस्क. आपने लेट्स से आपको जहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए वहाँ पे आपने इंजीनियर को हायर कर लिया, तो ऑफकोर्स देर विल बी अ स्टाफिंग रिस्क. चाहे आपने एडिक्वेट तरीके से इंटरव्यू नहीं लिया कि इनकेपेबल था. लेट्स से आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को ही हायर किया बट वो इनकेपेबल था, सो ऑलवेज देर विल बी अ स्टाफिंग रिस्क. देन आफ्टर टेक्नोलॉजिकल रिस्क, रिस्क ऑफ नॉट कीपिंग पेस विद द फास्ट चेंजिंग टेक्नोलॉजीज फॉर द बिजनेस ऑपरेशंस. Usage of outdated technologies could impact the business operation adversely, thereby resulting into the loss of reputation, market shares and customers. आपका टेक्नोलॉजी डे टू डे चेंजेस होता है और उससे आपको हमेशा कंप्लाई करना पड़ेगा. अगर आप कंप्लाई नहीं कर पाते हो तो देर विल बी ऑलवेज अ टेक्नोलॉजिकल रिस्क. देन आफ्टर बिजनेस कंटिन्यूटी रिस्क, क्या आपका इनएबिलिटी टू रीस्टोर द ऑपरेशंस इन इवेंट ऑफ इंसिडेंट और डिजास्टर. कुछ ऐसा कुछ इवेंट हो गया, आपके फैक्ट्री में आग लग गई, तो आपका जो इनएबिलिटी अराइज हो जाता है टू रीस्टोर द ऑपरेशंस टू इट्स नॉर्मल, दैट इज़ बेसिकली बिजनेस कंटिन्यूटी रिस्क. एंड देन आफ्टर इन्फॉर्मेशन डेटा सिक्योरिटी रिस्क. अब आपका क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिग्निफिकेंट, बहुत कॉन्फिडेंशियल डेटाज होते हैं. ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मूलाज हो सकते हैं प्रोडक्ट बनाने के, सो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है. दैट इज़ पेटेंट हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है. जो आपका डेटाबेस आपका बहुत अच्छे से सिक्योर्ड होना चाहिए. अब कोई इंट्रूडर, कोई आउटसाइड पार्टी उसको एक्सेस कर लेगा, उस रिस्क को क्या बोलेंगे, इन्फॉर्मेशन और डेटा सिक्योरिटी रिस्क. आपका अनऑथराइज एक्सेस हो सकता है, आपका लीकेज हो सकता है, ठीक है. सो दैट इज़ इन्फॉर्मेशन रिस्क. उसके बाद आता है काउंटर पार्टी रिस्क. काउंटर पार्टी रिस्क इज सॉरी काउंटर पार्टी रिस्क काउंटर पार्टी रिस्क इज बेसिकली क्रेडिट रिस्क न कंट्री रिस्क. अब ये अगर आप लाइन पढ़ोगे ना तो आपको कॉमेडी लगेगा कि ये हेल्प्स टू एड्रेस द इश्यूज और ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग द कंट्री एक्सपोजर रिस्क. ये क्या हेल्प कर रहा है, ये आप थोड़ा आप देखोगे कंट्री रिस्क का आप डेफिनेशन में क्या बोला हुआ है. हेल्प्स टू एड्रेस इशूज ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग द कंट्री एक्सपोजर रिस्क. तो ये कहीं से कॉपी पेस्ट किया हुआ है, तो बीच का एक्सट्रैक्ट इंस्टेड ऑफ डेफिनेशन ये कुछ और रिस्क मैनेजमेंट बता रहा है. तो कंट्री एक्सपोजर रिस्क क्या हो सकता है कि अब जिस कंट्री में ऑपरेट कर रहे हो उससे रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक रिस्क हो सकता है. ओके, दैट इज़ बेसिकली कंट्री एक्सपोजर रिस्क. लेट्स से MNCs को आते हैं बाहर से, अब इस कंट्री में लेट्स से इंडिया में ऑपरेट करते हो, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस उस पर लगा सकते हैं कि लेट्स से आप इतने से ज़्यादा आप बाहर पैसा को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो, आप कोई मिनिमम यू नो आपको टैक्स रेट्स ज़्यादा देने पड़ेंगे. दैट ऑल आर व्हाट कंट्री स्पेसिफिक रिस्क. देन आफ्टर व्हाट इज़ देयर फ्रॉड रिस्क. फ्रॉड रिस्क तो आपको पता ही है, फ्रॉड रिस्क आपका क्या हो सकता है, मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल के कारण हो सकता है. आपका कुछ किसी को लग रहा है कुछ अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, कुछ इंसेंटिव्स दिख रहा है कुछ गलत काम करने के लिए, उससे फ्रॉड रिस्क अराइज हो सकता है. ये यूजुअली क्या होगा, ये होगा डेलिब्रेट एक्ट्स के कारण, मैनेजमेंट ओवरराइड. उसके बाद अभी है प्राइस रिस्क. प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस अकरिंग फ्रॉम एडवर्स मूवमेंट इन द मार्केट प्राइस ऑफ एन एसेट. उसके बाद ऐसे ही प्रोसेस रिस्क. इनएबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट टू मीट इट्स प्रोसेस रिलेटेड ऑब्जेक्टिव ऑन अकाउंट ऑफ फेल्ड एक्टिविटीज इन अ बिजनेस प्रोसेस. इट इज़ अ रिस्क ऑफ लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम द फेलियर ऑफ इंटरनल प्रोसेस, पीपल्स एंड सिस्टम और एक्सटर्नल इवेंट्स. सो प्रोसेस रिस्क क्या होता है कि आपका एक प्रोसेस होता है, इनपुट्स, प्रोसेस, आउटपुट. तो वो जो एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है स्टार्टिंग टू एंड में, वो प्रोसेस फेल होने का चांसेस को बोलते हैं क्या, प्रोसेस रिस्क. अब ये वेरियस डिपार्टमेंट से रिलेट कर सकता है, जैसे प्रोडक्शन में आपका वेरियस सेक्शंस होता है. आपको टाइम पे आपका रॉ मटेरियल्स अवेलेबल होना चाहिए, उसका फिर टाइम पे आपको उसी का आपका प्रोसेसिंग हो जाना चाहिए, एंड एंड में उसका पैकेजिंग वगैरह भी टाइम पे हो जाना चाहिए, तभी आप एंड कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स टाइम पे दे पाओगे. सो अगर कुछ भी पोजिशन में डिले होता है तो दैट विल रिजल्ट इनटू प्रोसेस रिस्क. देन आफ्टर वी हैव सिक्योरिटी रिस्क. A person or a situation which poses a possible
थ्रेट टू सिक्योरिटी ऑफ समथिंग सो सिक्योरिटी रिस्क क्या होता है कि पॉजिटिव सम थ्रेट टू सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी वेरियस टाइप से हो सकता है कि पर्सनल सिक्योरिटी हो सकता है, लेट्स से आपका डेटा से रिलेटेड सिक्योरिटी हो सकता है. सो वेरियस टाइप्स से आपका सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है. सिक्योरिटी अरेंजमेंट रिस्क रिस्क विल अराइजेस फ्रॉम द वल्नरेबिलिटी ऑफ द सिक्योरिटी सिस्टम इज टर्म्ड एज सिक्योरिटी अरेंजमेंट रिस्क. उसके बाद आता है गवर्नेंस रिस्क. गवर्नेंस रिस्क इज रेफर्स टू इनएथिकल और इनएफेक्टिव अनएथिकल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी बाई इट्स एग्जीक्यूटिव और मैनेजीरियल लेवल्स. एक होता, एक हमने देखा था मैनेजमेंट रिस्क. मैनेजमेंट रिस्क में यूजुअली किस तरीके से आता है, या तो आप अपने अननेसेसरली प्रेशर क्रिएट कर रहे हो आप अपने जूनियर्स पे, दूसरा आप खुद इन मतलब आपका कॉम्पिटेंसी नहीं उतना कि आप मैनेजमेंट में रह पाओ, उसके कारण क्या हो सकता है मैनेजमेंट रिस्क अराइज होता है. बट गवर्नेंस रिस्क किस लिए अराइज होता है कि आप कॉम्पिटेंस हो, सब कुछ आपका सही है, बट आप अनइथिकल हो, ठीक है, आप इनइफेक्टिव हो, आपको काम करने में मन नहीं लगता है. सो दैट इज गवर्नेंस रिस्क. देन आफ्टर वी हैव अ लास्ट पोर्शन लेफ्ट इज सेफ्टी रिस्क. दिस आर द मोस्ट कॉमन एंड विल बी प्रेजेंट इन द मोस्ट ऑफ द वर्क प्लेस टाइम एंड अनदर. दे इंक्लूड अनसेफ कंडीशन दैट कैन कॉज इंजरीज इलनेस और डेथ. सेफ्टी हजार्ड्स इंक्लूड, अब सेफ्टी रिस्क कैसे कैसे आ सकता है, स्पिल ऑन फ्लोर्स और ट्रिपिंग हजार्ड्स सच एज ब्लॉक्ड लेसेस और कॉर्ड रनिंग अक्रॉस द फ्लोर. बेसिकली आपका स्पिलिंग ऑन फ्लोर्स वगैरह लीकेजेस से रिलेटेड बात कर रहा हूँ. वॉकिंग फ्रॉम हाइट से आप क्या कर सकते हो, गिर सकते हो. अनगार्डेड मशीनरी और मूविंग मशीनरी पार्ट्स. देन आफ्टर इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स लाइक फ्रेड कॉर्ड्स, मिसिंग ग्राउंड पिन्स, कन्फाइंड स्पेसेस, आपका स्पेसेस काफ़ी कन्फाइंड है. देन आफ्टर मशीनरी रिलेटेड हजार्ड्स लाइक लॉकआउट, टैग आउट, बॉयलर सेफ्टी, फोकलिफ्ट से आप गिर सकते हो. तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए थे सेफ्टी रिस्क के, आप इन जनरल भी आप ये समझ जाओगे. तो हमारा ये चैप्टर वन यहीं ख़त्म होता है. हमने काफ़ी डिटेल में आई गेस सो हमने चैप्टर को डिस्कस किया है. सो इस चैप्टर को यही एंड करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस. आप आई होप आपका ये चैप्टर काफ़ी अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिव वे में कंप्लीट हुआ होगा. और प्लीज़ इसे आप एक बार अच्छे से टैगिंग करना, कि टैगिंग इन द सेंस कीवर्ड्स को जो मैंने यहाँ हाईलाइट किया उसे आप भी हाईलाइट करना एक बार. अगर आप लेक्चर के साथ में आई होप आपने रीड आउट किया होगा तो उसे रीड आउट कर, नहीं भी किया है तो आप वापस से रीड आउट ज़रूर करना चैप्टर को. क्योंकि ये सब्जेक्ट को हम लोग यूजुअली इलेक्टिव को हम लोग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं एट टाइम्स, बट इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये भी 100 मार्क्स का आता है. बट समहाउ स्कोर करने में ईजी होता है, हमें टाइम कम देना पड़ता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसे इसमें ज़्यादा स्कोर करके हम बाकी सारे सब्जेक्ट्स को थोड़ा बाकी सारे सब्जेक्ट से थोड़ा बर्डन हटा लें. ओके, सो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं. और मैं इसके साथ एक और ट्राई करूँगा कि फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन के लिए वी हैव ICI का कैप्सूल, और मैंने कैप्सूल देखा काफ़ी सही है. आप सेल्फ स्टडी भी उससे कर सकते हो, और मैं ट्राई करूँगा कि मैं भी उस पर एक लेक्चर बना के ऐसे 25 मिनट्स 30 मिनट्स का एक लेक्चर बना के फर्स्ट चैप्टर को पूरा एक बार रन थ्रू कर दूँ. तो आप क्विकली आपको किसी भी टाइम पे आप उस लेक्चर को देख के उस चैप्टर को फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर पाओगे.